सो हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो लेक्चर है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, आज का जो लेक्चर है वो किस पे है? आज का जो लेक्चर है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे। किस पे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन पे है। और ये जो है आपका लेक्चर नंबर 4th है। ठीक, और हाँ, अगर आपको वीडियो समझ नहीं आ रही है तो आप स्टार्टिंग से वीडियो को देखिए। ठीक, लेक्चर नंबर वन से, क्योंकि हर एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है। ठीक, तो अगर आप बीच से देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले जाके फर्स्ट वाला वीडियो देखें, उसके बाद आप सेकेंड, थर्ड और आज का 4th वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक, तभी आपको क्लियर कंसेप्ट, आपको बता रहे हैं मेरा हर एक वीडियो में आपको JEE और NEET का प्रीवियस पेपर हम सॉल्व करवाते हैं, तो आप देख सकते हो वहाँ पर जाके कितना आसानी से, कितना अगर आप पढ़ रहे हैं ईमानदारी से, पूरे लेक्चर को आप देख रहे हैं, तो आपसे एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ये मेरा चैलेंज है, बस मेरे साथ बने रहिए और जो मैं बता रहा हूँ आप उसको ध्यान से सुनिए और नोट कीजिए। ठीक, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, क्या? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक, तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन मतलब एन कितना होगा? जीरो। देखिए इससे पहले हम क्या बात किए थे, हम माने थे कि कोई भी रिएक्शन है, क्या है रिएक्शन, रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है, तो रेट उसको कैसे निकालते थे, के इस तरह से एन, एन क्या डिसाइड करता था, अगर एन जीरो तो क्या जीरो ऑर्डर रिएक्शन, एन वन तो फर्स्ट ऑर्डर, और एन सेकेंड तो क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे ये तो हो गया, लेकिन यहाँ पे किसका बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलरली जीरो ऑर्डर रिएक्शन का हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे एन कितना हो जाएगा? जीरो। तो क्या हो जाएगा, रेट इक्वल टू के, जीरो कितना हो जाएगा यहाँ पे, के इंटू वन के। अब देखिए यहाँ पे एक और होता है ना, क्या रिएक्टेंट है, इसको लिख सकते हैं ना, माइनस डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, वही के हो जाएगा, क्या हो जाएगा, के हो जाएगा। दो तरीका होता है, रेट इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं, और रेट ये क्या डिफरेंशियल, ये क्या आपका डिफरेंशियल रेट है, ये क्या आपका रेट लॉ है। ठीक, तो दोनों यूज होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस डी के डी टी, राइट। अब देखिए तो समझिए, यहाँ पे पहले जब टाइम जीरो था इसका कितना था कंसंट्रेशन, सी नॉट। जब अब बात करें एट टाइम टी पे कितना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, इसको हम सी मान लिए। हमको सिर्फ रिएक्टेंट से मतलब है, क्योंकि जो रेट है किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, हमको प्रोडक्ट नहीं देखना है, समझ में आ रहा है ना। तो पहले सी नॉट था, अब क्या हो गया, सी कंसंट्रेशन हो गया। तो कहीं आप अगर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं, क्या आप लिखते हैं यहाँ पर इंटीग्रेट बोथ साइड, बस आपको करना कुछ नहीं, जैसे बताया जा रहा है बस उसको ध्यान रखिए और आसानी से आपका टोटल क्वेश्चन हो जाएगा। हालांकि इस पे क्वेश्चन एक या दो पूछा हुआ है, हम वो भी करवा देंगे, लेकिन इसका जो हाफ लाइफ है, जो हम आगे पढ़ेंगे फर्स्ट ऑर्डर के बाद पढ़ेंगे, उस पे क्वेश्चन काफ़ी धड़ल्ले से पूछे हुए हैं, मतलब अगर देखा जाए ना। चलिए बाद में बात करते हैं, देखिए ये हो गया। अब ये इंटीग्रेट बोथ साइड, तो क्या करेंगे, वाई माइनस बाहर निकाल देंगे, क्या हो जाएगा, डी आर के कॉन्स्टेंट है डी टी, ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, सी नॉट से सी जा रहा है ना, सी नॉट से सी जा रहा है, और ये कहाँ से जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है, कहाँ से जा रहा है, जीरो से टी जा रहा है। ठीक, तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, माइनस सी से सी नॉट हो जाएगा, इक्वल टू क्या हो जाएगा इसका, के टी इस तरह से क्या हो जाएगा, इनटू करते माइनस से, तो माइनस सी प्लस सी नॉट इक्वल टू के टी, राइट। तो क्या हो जाएगा, ये करें तो बोल सकते हैं सी इक्वल टू सी कितना हो जाएगा, इसको उधर ले जाइए, तो आप सिंपल हम बताते रहे, क्या हो जाएगा आपका, सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट,
ये फॉर्मूला हो गया, आपके बुक में यही फॉर्मूला दिया हुआ है, क्या सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। सी क्या है आपका, सी है कंसंट्रेशन एट टाइम टी पे, सी नॉट क्या है आपका इनिशियल इनिशियल कंसंट्रेशन है, राइट। उसके बाद के क्या पता है ना, के तो बात के तो हम बात कर चुके हैं ना, तो क्या हो जाएगा आपका रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट। ठीक गाइज एक बात बोले, पता अभी टाइम कितना हो रहा है, अभी टाइम रात रात इसको छोड़ ही दीजिए, भोर बोल सकते हैं ठीक है ना, भोर का मतलब रात का 3 बज रहा है। सोचिए हम 3 बजे लेक्चर को शूट कर रहे हैं, ठीक इसके बाद कुछ और देखना है, उसके बाद फिर सोने जाएंगे। तो देख सकते हैं आपके लिए हम 3 बजे लेक्चर को शूट कर रहे हैं, चलिए देख लीजिए। तो ये क्या हो गया, रेट कांस्टेंट हो गया, ये हो गया रेट कांस्टेंट। अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये फॉर्मूला भी हो गया। एक काम कीजिए, पहले आप इसको नोट कर लीजिए, नोट कीजिए तो जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए, तो बात करते आगे। चलिए उम्मीद करते हैं आप नोट कर लिए होंगे, राइट। देखिए आपको करना कुछ नहीं, बस इसको ध्यान में रखना है, आप इसको नोट कर लिए होंगे। तो चलिए पहले इसको हम इरेज करते हैं, उसके बाद फिर बात करते हैं आगे। देखिए यहाँ तक तो हो गया, देखिए इसको रहने देते हैं, इसका काम पड़ेगा अभी हमको। अब देखिए ये जो फॉर्मूला है, ये क्या C इक्वल टू के टी प्लस सी नोट, ये आपका एन सी आर टी बुक में दिया हुआ, हालांकि एन सी आर टी शायद यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सी के ऊपर क्या दिया हुआ आर दिया हुआ है, और सी नोट के ऊपर क्या दिया हुआ है आर नोट दिया हुआ है। तो बात वही है, सिर्फ कंसंट्रेशन है, मानने को कुछ भी मान सकते हैं, ठीक। तो जनरली हम लोग सी से ही कंसंट्रेशन को मानते हैं, तो हम सी ही मेजर किए हैं और एन सी आर टी में आर नोट दिया हुआ है, आपको जो ठीक लगे। हालांकि हम तो बोलेंगे कि आप यही चलिए, क्योंकि अगर आप हमसे पढ़ रहे हैं आप सी नोट ही मानिए, ठीक। ये हो गया राइट। अब बात है क्या इसका ग्राफ, क्या इसका ग्राफ। अब देखिए इसका ग्राफ बात की है, ये क्या है वाई इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी है ना, तो ग्राफ क्या हो जाएगा आपका, आपका ग्राफ क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा इस तरह से, ये क्या हो जाएगा आपका सी नोट, इसका स्लोप कितना होगा, स्लोप क्या हो जाएगा माइनस के, ये क्या आपका सी नोट, ये क्या है कंसंट्रेशन है, इधर क्या आपका टाइम है, क्या है टाइम है। आपको बस जीरो डॉट एक्स आपको इतना ही ध्यान रखना है राइट, क्या फार्मूला। और हाँ यानी होता है ना कि कभी कभी हम फार्मूला को ना होता है मिस्टेक कर जाते हैं, मतलब ना होता है कि कहीं पे यहाँ पे सी है तो सी है कि सी नॉट है, तो उसका मेरे पास एक आइडिया है। देखिए क्या अब क्या कीजिए, सिंपल इसको ऐसे लिख सकते हैं सी नॉट माइनस सी इक्वल टू के टी, ठीक। हम जनरली हम तो यही याद करके चलते हैं, ठीक। उसके बाद हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लेते हैं, तब बाकी बन जाता है, हालांकि हार्ड भी नहीं याद करना, लेकिन एक बार समझ लीजिए हम क्या बोलना चाह रहे हैं, कि अगर कभी आपको कभी कभी कन्फ्यूजन में आ जाए तो कैसे याद रख सकते हैं। देखिए सी नोट क्या है मेरा इनिशियल है, और सी क्या है एट टाइम टी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी पे है। अब सोचिए सी नोट बड़ा होगा ना, सी नोट बड़ा होगा सी से, तो सिंपल साथ अगर सी नोट बड़ा होगा सी से तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा, और सी नोट बड़ा हुआ सी से तभी तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगा। तो कभी आपके माइंड में ये आ जाए कि सी माइनस सी नोट या सी नोट माइनस सी, देख सकते हैं क्या आपको क्या करना है कि सी नोट माइनस सी लेंगे तभी तो पॉजिटिव आएगा, अगर ये लेंगे तो क्या आएगा निगेटिव आएगा। आप ये लीजिए बात एक ही है, बस आपको ये समझना होगा, ये भी सही है फॉर्मूला और ये भी सही है। तो होता है क्या मेरे साथ क्या हुआ है कि हम जब भी पढ़ते थे ना तो कभी कभी हमको कन्फ्यूजन, हम शुरू से ही कोई भी चीज़ को रटने से हम दूर भागते हैं, हम कोशिश करते हैं क्या कि उसको जितना जितना मतलब कंसेप्ट से सीखा जाए या जितना कोई इसका ट्रिक या जितना उसका कोई टेक्निक निकाला जाए, वही इसका भी हम टेक्निक निकाले हुए हैं क्योंकि हम लोग कभी कभी भूल जाए। तो आप इसको नोट कर लीजिए, अब देखिए ये तो हो गया, आप इतना को नोट कीजिए, नोट कर लिए होंगे, चलिए वीडियो को पॉज कीजिए नोट कीजिए। आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं, अभी ना
जब से ये वीडियो शूट करे ना तब से 3 माह लाइन कटा है, ठीक। और मैं भी जब भी मतलब कि लाइट कटा मैं सोने चला गया, फिर लाइट आया, फिर उठ के मैं वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया। तो देख सकते हैं कि लाइट जीत दी तो हम भी जीत दी, अब भी नहीं छोड़े लाइट को, देखते हैं कितना ये हमको तंग कर रहा है। चलिए बात करते हैं अब नेक्स्ट। ये तो हो गया, क्या पर है फॉर्मूला सिंपल, क्या पर है सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट, ठीक। यहाँ पे के क्या है, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, इसका क्या होगा यूनिट, यूनिट इसका पता है ना, क्या बताया था ना पिछला में, क्या होगा मोल, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, राइट। अब देखिए इसमें जो आपका ये जो है ना इसका एक ही एग्जांपल है, आपको क्या ध्यान रखना है यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट कितना है, मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, हालांकि हम ये बात कर चुके हैं, ठीक। तो ये तो हो गया, अब देखिए इसका एक ही एग्जांपल है जो फर्स्ट जीरो ऑर्डर को फॉलो करता है, एनसीईआरटी बुक में भी दिया हुआ है, जो आपका अमोनिया है ना, अमोनिया वो प्लेटिनम कैटलिस्ट, कैटलिस्ट क्या बनाता है आपका N2 प्लस 3H2, ये बनाता है, ठीक। ये इसका जो रेट होगा क्या होगा, रेट होगा के NH3 के पावर 0। ये क्या करता है आपका अमोनिया जो ये वाला है, ये क्या शो कर रहा है आपका जीरो ऑर्डर रिएक्शन, सो यू रिएक्शन सो। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, क्वेश्चन हम बात करेंगे, ठीक, जल्दी नोट कीजिए, चल वीडियो पॉज कीजिए, नोट कीजिए, चलिए मिटाते हैं। देखिए क्या बोल रहा है, द रेट कांस्टेंट कांस्टेंट ऑफ द रिएक्शन ए टू बी इज 0.6 इंटू 10 टू द पावर 20 मिनट, ऑप्शन लिख लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए 3.6 बी 0.36 सी 0.72 और डी 1.0 मोलर। ये क्वेश्चन था पूछा हुआ प्रीवियस पेपर का है मोलर, ठीक। वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आसान क्वेश्चन है, फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन, जल्दी बनाइए, कौन सा होगा जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन होगा। चलिए देखिए क्या करना है आपको, पता है ना क्या था फॉर्मूला, क्या कहते हैं सी इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी नॉट। आप देखिए अब बोलिए कि कैसे पता कि ये जीरो ऑर्डर का है, इसका यूनिट देखिए, यूनिट क्या है मोल पर लीटर सेकेंड इनवर्स, ये किसका यूनिट होता है, हाँ किसका यूनिट होता है आपका जीरो ऑर्डर का रेट कांस्टेंट का यूनिट होता है। तो इससे हम क्या डिसाइड कर लिए कौन से तो किसका जीरो ऑर्डर का, तो ये फॉर्मूला हो गया। अब बोल रहा है सी नॉट तो दिया हुआ है, कंसंट्रेशन इतना दिया हुआ 5 मोलर, ये कितना पता है के माइनस 0.6 इंटू टी कितना दिया हुआ टाइम 20 मिनट,
जिसको किस में करना होगा, किस में करना होगा, सेकेंड में करना होगा, क्योंकि यहाँ पे सेकेंड पे है। तो 20 मिनट में कितना हो जाएगा, 20 × 60 प्लस सी नॉट, सी नॉट कितना दिया हुआ है 5, कितना हो जाएगा करेंगे तो 60 0.6 प्लस 5 कितना हो जाएगा आपका इसका आंसर 62। कितना हो जाएगा इसको लिख लीजिए इस तरह से, 6/10 प्लस 5 कितना हो जाएगा इसका आंसर, आप निकाल लीजिए इसका आंसर जो आएगा सो आंसर हो जाएगा, राइट। ये हो गया। अब देखिए एक मिनट, यहाँ पे कुछ छूट गया, ये भी है ना, वही तो सोच रहे हैं, 3 है ठीक। तो ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, -0.6 × 1200 + 5, इसको हम डायरेक्ट लिखे -0.6 × 12 × 100 × -4 + 5 कितना, 200 चला जाएगा। यहाँ पे ये हटा दिए क्यों, इसका 0 हम इसको दे दिए, 10 कितना हो जाएगा 62, 0.72 माइनस ठीक, तो कितना हो जाएगा आपका 20 + 5 कितना हो जाएगा, घटा दीजिए 5 में से घटाने के बाद जो आंसर आएगा सो आंसर आएगा। तो क्या कितना घटाएंगे तो कितना है, ये कितना आ जाएगा आपका 4.4 कितना हो जाएगा आपका 4.4 बताइए जल्दी से, कितना हो जाएगा 28 2 8। ये किसका आया, किसका आया, ध्यान दीजिए ए से बी है, ये सी नॉट था, ये सी था, सॉरी ये सी नॉट था, ये क्या सी ठीक। तो जितना इसमें से माइनस हुआ होगा, मान लेते हैं कि सुनेट में से सी माइनस हुआ, तो यही ना सी बना होगा, ये किसका है, ये किसका है आपका, ये है कितना, तो टोटल कितना है, टोटल वो कितना है 5 है ना, कितना है टोटल आ गया 5 है ना, 5 में से इतना घटाएंगे तो कितना आएगा, सर में आया, हम क्या बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि ये क्या आपका सी नॉट है ठीक, और ये क्या हो जाएगा, जितना ये निकलेगा उतना है तो ये बनेगा ना, हमको ये चाहिए। अगर हम ये निकाल लिए, ये निकाल लिए, क्या किए, ये निकाल लिए, तो ये किसका वैल्यू, इसका है, और हमको सी नॉट में से अगर सी घटा लेंगे जितना हमको ये चाहिए ना ये वाला, तभी तो ये होगा। तो यहाँ पे क्या किया, अगर देखा जाए सिंपल तो 5 में से कितना ये हो रहा है इंक्रीमेंट का हो रहा है 0.72 ना, 0.72 का क्या हो जाएगा मोलर, समझ में आया, नहीं आया तो क्या कीजिए, 5 में से इसको हटा लीजिए तो आंसर आएगा इतना ही आएगा, इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ठीक। तो देखिए हालांकि इसमें कुछ हार्ड था नहीं, बस आपको इतना ही जानना था, एक क्वेश्चन था जो क्वेश्चन हम करवा चुके। अब देखिए ये तो चैप्टर ईजी था, ये जो टॉपिक तो ईजी था, इसके बाद जानते क्या आएगा, फर्स्ट ऑर्डर आएगा, उसके बाद हाफ लाइफ आएगा। तो फर्स्ट ऑर्डर का जब हम क्वेश्चन करवाएंगे ना, ये जब हम पढ़ाएंगे ना, आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा, देखिएगा, ये मेरा चैलेंज है। और दूसरा चीज़, ये तो हम ये बात कर ली, उस पर इतना ख़तरनाक क्वेश्चन करेंगे कि आप भी देखिए कि हाँ, उसके बाद अगर आप अपने आप को मेजर कीजिएगा, जब क्वेश्चन बैंक देखिए तब लगेगा कि क्या क्या हो गया ठीक। तो ये तो हो गया, इसके बाद क्या अगला जो लेक्चर आएगा किस पे आएगा, फर्स्ट ऑर्डर पे आएगा, उसको काफ़ी डीप में चलेंगे, उसमें तीन ग्राफ तो पहले हम आराम से बताएंगे उस पर, उस वो तो वीडियो लेंदी होगा। तो बने रहिए मेरे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और थैंक यू सो मच। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक केयर एंड फ्रेंड के साथ शेयर तो ज़रूर कीजिए ठीक। सो थैंक यू सो मच।